अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू नाजीमास किचन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चौली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट बन के रेडी होगी। और ये पाव किलो चौली, ये गीली चौली है, मैंने गीली चौली ली थी तो ये पाव किलो है। अभी मैं ये कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कुकर में ये पूरी चौली डाल दूंगी। अभी इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ, एक गिलास जितना पानी है वो ऐड करी हूँ। और ये नमक ऐड करूंगी मैं, सॉल्ट। अभी मैं इसको 5 से 6 सीटी लगाऊंगी। देखिए अभी ये चौली गल गई है 5 से 6 सीटी लेके। अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को कितनी सॉफ्ट हो गई गल के। देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। चलिए अभी इसका मसाला बना रही हूँ मैं चौली का। देखिए अभी कढ़ाई ली हूँ मैं, कढ़ाई में 5 से 6 स्पून जितना ऑयल डालूंगी। देखिए ऑयल गरम हो गया। अभी ये मीडियम साइज की प्याज है, इसको चॉप की मैंने, ये चॉप ऐड करेंगे इसमें। इसे हमें लाइट ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करेंगे और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएंगे, स्लो फ्लेम पे ही करते। चलिए प्याज थोड़ी ब्राउन हो रही है जब तक ये मसाला ग्राइंड कर लेती हूँ। ये 3 मैंने हरी मिर्ची ली, आप आपके टेस्ट से हिसाब से लीजिए। और ये थोड़ा सा हरा धनिया ली हूँ, ये ली मैंने, ये 1 स्पून भर के मैं दही ले रही हूँ, वो थोड़ी ऐड कर रही हूँ। अभी इसे मैं पेस्ट बना लेती हूँ, ग्राइंड पेस्ट कर लेती हूँ इसका। देखिए इसका पेस्ट बना के रेडी करी मैंने। देखिए आप देख सकते। चलिए अभी प्याज को देखते हैं। देखिए अभी वैसे हल्का लाइट ब्राउन नहीं आया ना, अभी ये देखो इस तरह से एकदम लाइट ब्राउन करना है हमें। अभी जो मसाला रेडी की वो ऐड करूंगी इसमें। चलिए मिक्सचर का जो पानी था ना वो ऐड कर देती हूँ। इसे मिक्स कर रही हूँ, स्लो फ्लेम पे नहीं हाई फ्लेम पे करेंगे। चलिए अभी इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, इन सबको मिक्स करना है। आप लोग भी जरूर ट्राई करें, एकदम डिफरेंट रेसिपी, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही टेस्ट होता है खाने में, एकदम मस्त बन के रेडी होता है ये। इसे स्लो फ्लेम पे थोड़ा भुनने देते हैं, ये जो प्याज दिख रही है ना वो थोड़ी गल जाएंगी स्लो फ्लेम पे। चलिए अभी ये 1/2 कोकोनट है, ये गीला कोकोनट है, इसे मैंने स्किन निकाल के इसे इसे पीस कर लिया। अभी इसे मैं ग्राइंड करूंगी, ग्राइंड करके इसका हम पानी निकालेंगे, दूध बनाएंगे कोकोनट का, यही मेन इम्पोर्टेंट चीज है चौली में डालने के लिए। चलिए अभी मैं इसे मिक्सचर में ग्राइंड करना है। चलिए इसे ही ग्राइंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद पानी ऐड करेंगे। देखिए अभी ग्राइंड हो गया है, अभी इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ। देखिए अभी इसे सब सही कर देते हैं साइड से। अभी इसका ना पानी हम निकालेंगे, ये दूध कोकोनट का पानी ग्राइंड करके इसका पानी हमें निकालना है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने इसे ग्राइंड कर लिया। देखिए अभी मैं इसमें डालूंगी और इसे छानूंगी, इसका दूध निकालेंगे कोकोनट का, यही मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है चौली की रेसिपी में, बहुत ही अच्छा बनता है। इसे इस तरह
प्रेस करते जाना है और थोड़ा पानी ऐड करूंगी इसमें। मिक्सचर में जो है ना ये पानी थोड़ा ऐड करती हूँ, हाफ गिरा जीता। देखिए फिर से इसमें ही ये जो कोकोनट का ये जो है ना ये फिर से हम इसे ग्राइंड करेंगे। दो बार इसको ग्राइंड करके इसका दूध निकालूंगी मैं। सेकंड टाइम भी मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। अभी इसका फिर से हम मिक्स छलनी में डाल के इस तरह हम वापस से हम इसका दूध निकालेंगे कोकोनट मिल्क। देखिए इस तरह से हमें इसका कोकोनट का मिल्क चाहिए। देखिए निकल गया। अभी मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगी, अभी मैं इसकी कोकोनट की चटनी बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गया, प्याज भी सॉफ्ट हो गया, अच्छे से भुना आ गया और इसके मसाले की खुशबू भी एकदम बेहतरीन खुशबू आ रही है। अभी इसमें हम बॉईल की हुई चौली डालेंगे। चलिए अभी चौली ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स इसका दूध और निकल गया। अब ये जो वन स्पून जितना मैंने कोकोनट पाउडर है वो ऐड करती हूँ इसमें। इसे हम मिक्स करते हैं। इसे चौली में ऐड कर रही हूँ मैं। देखिए अब इसे मैं चौली में ऐड करूंगी। कोकोनट मिल्क ही चौली की जान है। देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है ना आप लोगों को, मस्त बनेगा। आप लोग भी जरूर ट्राई करना फ्रेंड, बहुत ही बेहतरीन बनता है। और खाने में भी इतनी मजेदार लगता है ना, बहुत टेस्ट आता है ये, मुझे तो बहुत पसंद आता है ये। अभी ये बॉईल आएगा ना फिर से हम स्लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक कुक होने दे रही हूँ मैं इसे। ठीक है फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए अभी ये बबल्स आया, अभी इसे लिड कवर करके स्लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक कुक होने दूंगी। देखिए 5 से 10 मिनट हो गई। देखिए देखे आपने थोड़ी सी थिक भी हो गई और अच्छी हो गई एकदम मस्त। अभी इसे हमें बगाड़ देना। चलिए अभी बगार की तैयारी करते हैं। ऑयल ऐड कर रही हूँ इसमें, 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डाली। थोड़ी लीव्स ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, मिर्ची। अभी फ्लेम ऑफ कर दी। अभी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे, बगाड़ देंगे। हरे धनिया से सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरी चौली की भाजी बनके रेडी हो गई। आप लोगों को आज की मेरी चौली की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं और एक अच्छी नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।